तो टुडे आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैंने कहा चलो तुम लोगों का पर्सनल टेस्ट है तो रिवीजन का लेक्चर ले लो। सुनो, देयर एवर आई गो फास्ट जस्ट आस्क मी थ्रू द चैट। ठीक है, चैट आपके ओपन कीजिए, मैं पूछ लेना। इस टेस्ट में आपकी ओरल कैविटी पूरा, नेक मैसेज, रिसेंट एडवांसेज और ऑपरेटिव साइजेस, ये टेस्ट है। नेक में फोरल कैविटी आपको सबको पता होना चाहिए, इंटीरियर पिलर ऑफ टॉन्सिल से आगे आगे ओरल कैविटी है। ठीक है, इसे टॉन्सिल है, इससे आगे आगे ओरल कैविटी है, इससे पीछे पीछे ऑरोफेरिंक्स। ओरल कैविटी में इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जो है ओरल अल्सरेशंस, अल्सर डब्ल्यूटी उम्र है तो डिस्कस करते हैं। अल्सर किसी वजह से भी बन सकता है, इन्फेक्शन की वजह, किसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, कैंसर की वजह से, किसी भी वजह से ओरल कैविटी में अल्सर बन सकता है। अभी इम्पोर्टेंट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अल्सर बन सकता है फंगस, थश, कैंडिडियल इन्फेक्शन, वाइट कलर की होती है। पता कैसे पता चलेगा? चलेगा स्क्रैपिंग लेंगे और इसको टेस्ट करेंगे फंगस कल्चर। सर इफ यू आर नॉट किलिंग ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो मैं ले रहा हूँ, तो मैं आ गया हूँ। थैंक यू। तो ये जो फंगस लगती है कैंडिडियासिस, इसकी दो तीन वजूहत हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, हाई डोज की एंटीबॉडी जैसे ऑगमेंटन, बहुत ज़्यादा डोज की शुरू करें ना ऑगमेंटन या नोविडेट, तो ये फंगस लग जाती है। तो करते क्या है आप, टॉपिकल एंटीस्टेटन या प्रोटीमाजो, ठीक है, अल्सरेशन की गल इंफेक्शन है, ये मुंह फंगस लग जाती है कैंडिडियासिस। एफ्थस अल्सर सेकेंडरी यूजुअली ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कॉज अभी तक जो मुझे समझ आई है वो स्ट्रेस है। हम मेडिकल स्टूडेंट जब होते थे तो बहुत ज्यादा हमें छाले बनते थे, ये देखो ये वाला छाला है, क्या अल्लाह का शुक्र। ठीक है, ये अल्सर बना साइड में पे रेड, दरमियान में पेल, एग्जैक्ट एटियोलॉजी इज अननोन, बट ऑटोइम्यून ऑटोइम्यून कोई डिसऑर्डर हो, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, इनको स्ट्रेस अल्सर भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखो छाले बने हुए हैं, ये टिपिकली आप लोग जब मेडिकल स्टूडेंट्स आपके होंगे ये बनते होंगे। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ हम टॉपिकल इसमें स्टेरॉइड्स दे देते हैं। ठीक है, फिर एंटी इंफ्लेमेटरी दे देते हैं, इसमें सेल्फ लिमिटिंग है, ये खुद ही ठीक हो जाते हैं। बाकी अगर किसी को बहुत प्रॉब्लम है तो फिर उसके लिए मैंने एक तो टॉपिकल सेक सॉल्यूशन है वो खुद से बनाया हुआ है ताकि जल्दी करने के लिए, जब किसी को प्रॉब्लम होगी तो मेरे से पूछ ले। अदरवाइज इसकी ट्रीटमेंट कोई नहीं, हम सिर्फ मल्टीविटामिन दे देते हैं, फॉलिक एसिड दे देते हैं, टॉपिकल स्टीरॉयड या इंजेक्टेबल स्टीरॉयड दे देते हैं इन्फ्लेमेटरी के तौर पर, अदरवाइज इसने खुद ही ठीक होना होता है। बेशर सिंड्रोम इतना क्या रिपीट कर दूँ, ये जो एफ्सेस अल्सर्स हैं उनमें छाले बन जाते हैं बेटा, इसकी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता। रिस्क फैक्टर्स में एक स्ट्रेस है, एक ऑटो इम्यूनिटी है, एक आपके इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही ठीक हो जाते हैं, ये कुछ भी नहीं करना पड़ता। यस, ये बेटा सभी को देखा आ जाइए, बेसिकली बेटा सभी को प्रॉब्लम होती है जो जो स्ट्रेस लेते हैं ना, जो जिन जिनके प्रोफेशन स्ट्रेस वाले हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम को स्ट्रेस अल्सर भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ लिमिटिंग है। बाकी ट्रीटमेंट अगर पूछो तो ट्रीटमेंट में हम फिर इसमें टॉपिकल देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, फॉलिक एसिड दे देते हैं। ठीक है, फिर भी ना ठीक हो तो फिर उसके लिए
एक सोल्यूशन है वो मैं बनवा के तो मेरे करवाता हूँ, लेकिन इसके लिए मेन जो प्रिवेंशन है वो आपका, आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल रखा। इसको दहशत सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब होता है इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑर्गन सिस्टम। अगर प्रॉब्लम जो है मुंह में एफ्थस अल्सर्स हैं, आई में यूवियाइटिस है और जेनिटल एरिया में भी अल्सरेशन है, तीन एरियाज इन्वॉल्व हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज बेस्ट। ठीक है, बेस्ट पे कई बार नोट आ जाता है, ओरल कैविटी में अल्सर, जेनिटल अल्सर और आई के अंदर यूवियाइटिस या ऑप्टिक एट्रोफी या वेस्कुलाइटिस। तो ये बेसिकली बेस्ट सिंड्रोम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेस्ट का। क्वेश्चन आपको आता है व्हिच वन इज नॉट द फीचर सिंड्रोम, ये सारे बाकी भी हो सकते हैं। सीएनएस में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बेस्ट, ये भी अगेन ऑटोइम्यून, स्किन के अंदर भी कर सकता है, किडनी में भी कर सकता है, जॉइंट्स में भी कर सकता है। डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपने खुद पढ़ लेने हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि होता क्यों है, जैसे पहले आई एरिथेमा मल्टीफियम, ये ऑटोइम्यून है बेसिकली। इसमें क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है ना वो डिपॉजिट हो जाता है डर्मिस के अंदर, ये कॉज है। हेलो आवाज आ रही है अब ठीक है आवाज? तो जो ये बेटा स्किन के डिसऑर्डर हैं जो ओरल कैविटी में भी हो सकते हैं, इनमें आपने याद रखना है कि प्रॉब्लम के ये सारे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं। जैसे लाइक पैनस है, ये वाइट जैसे आपके ना स्ट्राइप बन जाते हैं, इसकी वजह क्या है कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये बेसल लेयर ऑफ स्किन को डिस्ट्रॉय करती हैं। एरिथेमा मल्टीफॉर्म जो है इसमें क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है डर्मिस के अंदर, क्रस्ट बन जाते हैं लिप्स के अंदर, टंग के अंदर एक कास्टिंग हो जाती है। ठीक है, इसकी सिर्फ कॉज याद रखनी है बस, आपने एक बार रीड कर लेना। बाकी पेम्फिगस में क्या होता है, बेसिकली गुल्ली बन जाते हैं, बलून बन जाते हैं, इसमें बेसिकली आईजीजी एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय करते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन को। तो आपने जस्ट रीड करना है, टंग वाली भी एक बार देख लेना, मीडियन रोमबॉइड शेप ग्लोसाइटिस हो सकता है, ये मून फंगस की वजह से होता है, इसको भी बस एक बार रीड कर लेना। ज्योग्राफिया नक्शा सा बन जाता है, ज्योग्राफिकल टंग है, ये मून जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें बन जाता है, इसको जैसे आपने रीड करना है इनको। कई बार जो आपके फिलिफॉर्म पैपिला टंग के होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और जस्ट लाइक हेयर की हम प्रेजेंट करते हैं फेरी टांग, एक बार फिशर बन जाते हैं टांग के अंदर, ग्रूव्स बन जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बेटा ये है सब म्यूकोसाइब्रोसिस। इस चैप्टर में और क्या होती है मेरे से पूछो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो सब म्यूकोसाइब्रोसिस। सब म्यूकोसाइब्रोसिस का मतलब है सब म्यूकोसा के अंदर कोलेजन की डिपोजिशन। ठीक है, जो लोग पान छालिया खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें क्या होता है उनके अंदर सब ये छालिया खाते हैं, सब मिकोजा के अंदर कोलेजन, कोलेजन वाइट कलर का होता है, उसकी डिपोजिशन हो जाती है,
जिसकी वजह से हार्डनिंग हो जाती है बेसिकली, मुंह नहीं खुलता, जुबान बाहर नहीं निकलती। जब भी कोई मरीज आपके पास आता है, उसकी हिस्ट्री है, स्मोकर की है या छालिया खाता है या पान खाता है, वो कह रहा है कि डॉक्टर साहब मुझे मुँह में मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं, इनटॉलरेंट इनटॉलरेंस टू द स्पाइसी फूड, मेरा मुँह नहीं खुल रहा, जुबान बाहर नहीं आ रही, हार्डनिंग हो गई है, फाइब्रोसिस हो गया, कोलेजन डिपोजिशन हो गया, तो हमेशा याद रखना है जो डायग्नोसिस है बीटिस साहब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है आपकी जो पान छालिया या आपका मुकोजा खराब करता है, कोलेजन की प्रोडक्शन को ज्यादा करता है और उसकी डिग्रेडेशन को कम करता है, जिसकी वजह से कोलेजन ज्यादा कोलेजन वाइट कलर का होता है। तो इट इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, लॉन्ग टर्म अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये कैंसर बन सकता है। इंटॉलरेंस टू चिली फूड, सोरनेस ऑफ माउथ, वेजिकल ज्यादा से बन जाए, ट्रिस्मस हो, टंग ना बाहर निकले, सबसे ज्यादा चेंजेस ये सॉफ्ट पैलेट पे आती है। ब्लंचिंग ऑफ म्यूकोजा का मतलब म्यूकोजा वाइट हो जाना, मुंह नहीं खुलेगा मरीज का, जुबान बाहर नहीं आएगी, सारा म्यूकोजा वाइट हो जाएगा कोलेजन की वजह से। This condition is called as submucous fibrosis. तो करते क्या हैं, तो risk factors पान है, टोबैको है, छालिया उसका बंद कराते हैं, एनीमिया और विटामिन डी डेफिशिएंसी करेक्ट कराते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड देते हैं और फिजियोथेरेपी करते हैं। अगर फिर भी ना ठीक हो तो फिर आप उसकी सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं, वो जो एरिया उसको निकाल के वहां पे फ्लैप लगा देते हैं या ग्राफ लगा देते हैं। आप इतना लिखना 45-year-old female presents to you with 6 months history of intolerance to chili food. For last 1 month, she is also feeling difficulty in opening mouth. Clinical findings check out सकते हैं, treatment of most likely diagnosis. तो ये बेटा अच्छी तरह पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? उसके बाद ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी है, बेनाइन है, मेलिग्नेंट है, म्यूकोसील, म्यूकोसील में एमसीक्यू आता है, म्यूकोसील कौन से लिप पे ज्यादा कॉमन होती है, ये बताओ म्यूकोसील किस साइनस की ज्यादा कॉमन होती है मरियम? साइन फ्रंट की, शाबाश आयशा सदर। ठीक है, और अगर लिप में है तो म्यूकोसील इज कॉमन दी लोअर लिप, शाबाश आयशा, यस मरियम, गुड, फ्रंट। ठीक है, लिप पे हो तो लोअर लिप पे कॉमन होती है। ग्रैनुला मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डर्मोइड आपको बता चुका हूँ पहले भी, कैपुसी सार्कोमा हमेशा याद रखना एड्स के मरीज में होता है, ये कैंसर हमेशा ही एड्स के मरीज में होता है। जेकोब लेके क्या होता है, व्हाइटिश डिस्कलरेशन, व्हाइटिश पैच, अगर व्हाइट व्हाइटिश पैच, लाइकन प्लैनस भी नहीं है, फंगस भी नहीं है, सारे आपने व्हाइटिश पैच जो जो सब फाइब्रोसिस भी नहीं है, तो आखिरी जो चीज आ जाती है वो ल्यूकोप्लेकिया है। अगर व्हाइटिश डिस्कलरेशन हुई है म्यूकोजा की ऐसी, ठीक है, आपने हिस्टोपैथोलॉजी कर ली है, कैंडिडेसिस भी नहीं है, लाइकन भी नहीं है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस भी नहीं है, तो आखिरी जो है वो उसकी वजह ल्यूकोप्लेकिया है, व्हाइटिश डिस्कलरेशन। सब ज्यादा इसकी पूछते हैं कहाँ होती है, ये बकल म्यूकोजा पे होती है। तो ये बेसिकली इसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल है, लॉन्ग टर्म अगर इसको अवॉइड करें तो ये फिर कैंसर बना देता है, 5% इसकी मैलिग्नेंसी का पोटेंशियल है। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, कुछ जो पॉजिटिव फैक्टर हैं, अगर स्मोकिंग है, उसकी ड्रिंकिंग है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, वो करेक्ट करनी है, बायोप्सी करनी है और एक्सीजन कर देनी है। एरिथ्रोप्लेकिया रेडिश डिस्कलरेशन, वो वाइट था ये रेडिश है, इसका मैलिग्नेंट पोटेंशियल 17 टाइम्स हायर देन दी ल्यूकोप्लेकिया। तो ल्यूकोप्लेकिया कॉमन था बकल म्यूकोजा पे, जबकि जो एरिथ्रोप्लेकिया वो लोअर एल्वियोलस पे, लोअर एल्वियोलस पे ये कॉमन होता है। मेलानोप्लेकिया ब्लैक डिस्कलरेशन,
लिको वाइट, एरिथ्रो रेड, मिलेनो ब्लैक। उसके बाद कैंसर, कैंसर में हमेशा याद रखना है कि हाउ यू इन्वेस्टिगेट अ केस ऑफ कैंसर, कोरल कैंसर को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। जैसे ये कैंसर है सपोज, ये क्या करेंगे इसका, शाबाश, बायोप्सी से पहले, शाबाश, गुड, बायोप्सी की फाइनल होगी, बायोप्सी लेंगे और क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री है, शाबाश हिस्ट्री है, एग्जामिनेशन है, और बायोप्सी से पहले कुछ नॉन इंटरवेंशनल इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, यस शाबाश, सीटी स्कैन करवाएंगे, क्योंकि जब इंटरवेंशन कर लेंगे ना, बायोप्सी ले लेंगे, फिर टिश्यू कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं, शाबाश मरियम, इसलिए उससे पहले सीटी स्कैन में एक्सटेंट ऑफ डिजीज देख लेते हैं। तो सब ट्यूमर में यही करना है, ठीक है, सब कैंसर में यही इन्वेस्टिगेशन करनी है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल एक्सीजन, ठीक है, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। स्टेजिंग देख लो, स्टेजिंग ये है कि 2 सेंटीमीटर का है तो T1 है, 2 to 4 है तो T2 है, 4 से ऊपर है तो T3 है, पर अगर सराउंडिंग स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है तो वो शाबाश हाजरा। तो इसमें कई बार MCQ आ जाता है कि अगर मुझे ये बताओ, अगर लीजन है 2 सेंटीमीटर का तो वो क्या होगा, वो T1 होगा या T2 होगा, तो पढ़ के बताओ मुझे। अगर सपोज टंग का लीजन है 2 सेंटीमीटर का तो वो T1 होगा या T2 होगा, शाबाश, गुड आमना, गुड मरियम, और 2 से ऊपर होगा, मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2, इस तरह 4 वाला होगा तो वो क्या होगा, 4 वाला T1 होगा, T2 या T3, T2, गुड, गुड आमना, वेरी गुड, ठीक है, 4 तक जो है वो T2 होगा, शाबाश। लिफ नोट सारे वैसे ही जैसे हम पहले करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा याद रखना, जब भी ऐसा पिक्चर आए, कार्सिनोमा टंग कहाँ से निकलता है, याद रखना लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग से, हमेशा ये याद रखना, ये बड़ा कॉमन MCQ है, बड़ा कॉमन ट्यूमर है, लेटरल बॉर्डर से निकलता है, ठीक है। अब टंग क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसलिए आपने देखना है कि अगर स्मॉल लीजन है तो फिर आपने उसकी रेडियोथेरेपी करनी, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना, जस्ट टू हैव द ऑर्गन फंक्शन प्रिजर्व। जैसे लैरिंक्स में है ना, इसलिए टंग भी, क्योंकि हम इससे बात करनी है, बोलना है, इसलिए अगर स्मॉल लीजन है तो हम क्या करते हैं, रेडियोथेरेपी करते हैं, अगर लार्ज है तो फिर हम उसकी सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी करते हैं, ताकि ऑर्गन प्रिजर्वेशन, ऑर्गन प्रिजर्व रहे। तो ये याद रखना है कि जो टंग का कैंसर है ये निकलता है लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग से। अगेन इन्वेस्टिगेशन होगी, सीटी स्कैन करेंगे, बायोप्सी करेंगे, स्मॉल लीजन है तो रेडियोथेरेपी करेंगे, ठीक है, लार्ज है तो एक्सीजन करेंगे, एक्सीजन में क्या करते हैं, टंग को एक्साइज करते हैं, हेमिगलोसेक्टमी, प्लस उस तरफ का मैंडिबल भी निकालना है, प्लस मैंने बताया था टंग की रिच नेक सप्लाई होती है, इसलिए अपनी नेक डिसेक्शन करनी है। नेक डिसेक्शन का मतलब है जितने नेक में लिम्फ नोड्स हैं वो निकालने हैं, और फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। तो जो ट्यूमर, जो सर्जरी है, जो T3 या T4 लीजन में करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हाफ टंग निकालते हैं, एक तरफ का मैंडिबल निकालते हैं और नेक डिसेक्शन करते हैं। इस पूरे सर्जरी को बोलते हैं कमांडो ऑपरेशन, ये T3 या T4 ऑपरेशन में करते हैं, T4 लीजन में करते हैं कमांडो ऑपरेशन, ठीक है। तो कोई भी आपको आ जाए तो बेसिकली आपने इसको याद रखना है कि जो कैंसर है, ये देख रहे थे हम लिप का, अच्छा लिप का कहाँ पे होता है कैंसर ज्यादातर, कार्सिनोमा लिप, अपर का लिप का होता है, कहाँ का ज्यादा कॉमन होता है, कार्सिनोमा की लोकेशन याद करनी है आपने, कहाँ कहाँ पे ज्यादा कॉमन होता है, जो एंगल होता है ना, यूजली एंगल पे कॉमन होता है लिप का कैंसर, कमिश्चर जिसको बोलते हैं, टंग का जो है वो लेटर बॉर्डर से आता है, ठीक है, लेटर बॉर्डर ये वाला,
तो इसमें बेसिकली टंग इम्पोर्टेंट है, टंग का ध्यान से आप लोगों ने कर लेना, बस एक बार रीड कर लेना। सब कैंसर में आपने एंगल शाबाश मिले, सब कैंसर में आपने वही इन्वेस्टिगेशन करनी है, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं आता तो सर्जिकल एक्सीजन लिख लो फॉलोड बाय रेडियोथेरापी। लास्ट है जी ऑपरेटिव सर्जरी, अच्छा ऑपरेटिव सर्जरी बेटा एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाना तो एमसीक्यू ज्यादातर आते हैं, बेसिकली एमसीक्यू क्यों आते हैं ताकि पता चले कि आपके कॉन्सेप्ट ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं, ऑपरेशन आपने देखे हुए हैं कि नहीं देखे हुए, इसलिए एमसीक्यू इसमें से आते हैं काफी सारे, ठीक है। सेकेंड वो पूछता है अगर ऑपरेशन में से तो आपसे पूछता है इसके इंडिकेशन क्यों करनी है सर्जरी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कब नहीं करनी सर्जरी, कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिस वजह से उसको नहीं करनी सर्जरी, और सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ये अमूमन जो है ना आपसे पूछी जाती है। लेकिन इस टेस्ट में क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है आपका, इसमें आपसे स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन और बाकी चीजें भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन है मेरिंगोटमी, मेरिंगोटमी का क्या मतलब है, ऑर्टमी में सुराख करना, मेरिंगो में टिम्पैनिक में पर्दे में ओपनिंग क्रिएट करना, ऐसा मेरिंगोटम पकड़ा और सुराख कर दिया पर्दे का, ये इंस्ट्रूमेंट आपने बाद में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपको दिखा देगा, ठीक है, तीर की तरह का, तो ऐसे नहीं होता। तो कब करते हैं मेरिंगोटमी, कब सुराख करना पड़ता है पर्दे के अंदर, जब आपका एक्यूट सुपरेटिव टाइटस मीडिया है वो दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा, या सीरियस टाइटस मीडिया आपने ग्रोमेट डालने हैं, ग्लू ये रहा, बच्चा काम सुन रहा है, तो उसमें आप ये करते हैं। जैसे ये देखो 8 साल का बच्चा था, कान में दर्द है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड एंड बल्जिंग स्टेज पे आ गई है, ठीक है, वहां पे आगे फंस गई है, अब वो ड्रेन नहीं हो रही, वहीं पे पास पड़ी हुई है, एंटीबॉडीज दे दी हैं लेकिन ठीक नहीं हो रही, तो कौन सा ऑपरेशन करेंगे, तो आपने बेसिकली मेरिंगोटॉमी करनी है, कान को साफ करना है अंडर माइक्रोस्कोप, मेरिंगोटम पकड़ना है और आपने एंट्रो इंफीरियर या पोस्ट इंफीरियर क्वार्टर में उसको इंसिजन लगा देने हैं। सुपरेटिव में आप जो लगाते हैं पीछे पोस्टर इंफीरियर क्वार्टर में, और सीरियस में आप एंट्रो इंफीरियर में लगाते हैं, शाबाशारोटाइटिस में जब ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, और ग्लू ईयर में आप क्या करते हैं ग्रोमेट भी डाल देते हैं, वेंटिलेशन ट्यूब भी डाल देते हैं। आप ऑसिकल को डैमेज कर सकते हैं, टेम्पनाई वहां पे जा रही होती है उसको डैमेज कर सकते हैं आप, ठीक है, कई बार हाई जुगलर बल्ब होता है उसको डैमेज कर सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशंस आपको आने चाहिए। ये इंजरी टू इंट्रोड्यूस टू पीरियड जॉइंट या स्टेपीज जुगलर बल्ब और मेडुलर इंफेक्शन मोस्ट प्रेफर्ड साइट फॉर मेनिंगोटम बेटा, अगर तो सुपरेटिव टाइटस मीडिया तो पोस्ट इंफीरियर, नीचे नीचे रहना है आप पोस्ट इंफीरियर क्वाड्रेंट, ठीक है, वो मैक्सिमम बल्ब वहां पे होता है, ऊपर क्यों नहीं जाना, ऊपर की तरफ नहीं जाना, इसलिए नहीं जाना कि ऊपर की तरफ ऑसिकल्स होते हैं, जैसे ये है ना, हमें नीचे नीचे इंफीरियर क्वाड्रेंट में जाना है, यहाँ नीचे ऊपर जाएंगे ना ऊपर सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, स्टेपीज है, स्टेपीज द फुट प्लेट है, ठीक है, वहां पे अगर जाएंगे स्टेपीज को डैमेज करेंगे तो आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाएगा, इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर है वो सारे ऊपर पड़े हैं, तो आपने इंफीरियर इंफीरियर डैमेज, तो जो आपका है सुपरेटिव उसमें पोस्टो इंफीरियर क्वाड्रेंट है, और सीरस के अंदर आपने एंट्रो इंफीरियर में, क्योंकि सीरस के अंदर बेसिकली यूस्टेशियन ट्यूब एंटीरियरली खुलती है आपकी मिडिल ईयर के अंदर, तो यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन की वजह से बेसिकली सीरस टाइटस मीडिया होता है, इसलिए आप एंट्रो इंफीरियर क्वाड्रेंट में लगाते हैं, तो प्रेफर्ड साइट डिपेंडिंग ऑन द एटियोलॉजी, बेसिकली आपने इंफीरियर रहना है, एंट्रो इंफीरियर या पोस्टो इंफीरियर, ठीक है मुतीबा। बाकी इंसीजन है ये देख लेना, 3 इंसीजन है जो ये सर्जरी के लिए हम यूज करते हैं, एक रोजन है, एक एंडोमीटल है, एंड ऑरल जिसे कहते हैं, क्या एक एंडोमीटल है, एक पोस्ट ऑरल, 3 इंसीजन है, ठीक है। सबसे पहले एंडोमीटल, मीटल का मतलब है जो एक्सटर्नल ऑर्टी के नाल में लगाते हैं, लगाया मरीज लेटा हुआ है, ऑन ऑफ लाइट देखो, मरीज लेटा हुआ है,
बेसिकली एक एनसीएन लगाते हैं 12 इटेक्टो की इंस्ट्रक्शन के लिए, यस एंट्रोल इंफीरियर क्वाड्रेंट, एंट्रोल इंफीरियर एनवायरनमेंट डालेंगे, ठीक है। एक आप 12 से लेकर 12 बजे के लेवल पे आप वर्टिकल एनसीएन लगाते हैं, और एक 6 o'clock से शुरू होकर पीछे की तरफ आते हैं एनुलस से तकरीबन आधा सेंटीमीटर पीछे। तो रोजाना एनसीएन जैसा आपको एनसीएन पता होना चाहिए, ये एनसीएन लगा रहे हैं एंडोमीटर एक्सटर्नल आर्टरी मीटर के अंदर लगाते हैं, ठीक है। एनुलस से तकरीबन आधा सेंटीमीटर पीछे के दो लेग्स हैं, एक होती है 12 बजे से लेकर वर्टिकल आती है पीछे पोस्टीरियरली, और दूसरा 6 o'clock पोजीशन से आती है पीछे की तरफ टू जॉइन दी फर्स्ट एनसीएन। रोजन हो गया। एंड ऑरल में क्या करते हैं, एंड ऑरल ये है 12 से 6 बजे तक एक एनसीएन लगाते हैं, और सेकंड वाला एनसीएन आप बाहर ले आते हैं थ्रू इंसिजरा टर्मिनलिस। इंसिजरा मैंने आपको बताया था वो एरिया है जहाँ पे कार्टिलेज नहीं होती, ये वाला ये एरिया जहाँ से इसको बाहर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको लैम्पर भी बोलते हैं। पहला जो मीटर्स में लगाते हैं उसको एंडोमीटर या रोजन बोलते हैं। ये जो लगा रहे हैं ये एंड ऑरल, ठीक है, कान के अंदर भी है और ये बाहर के ऑरिकल से बाहर आता है ये वाला, ठीक है। और बाहर आ गया एनसीएन का नाम, और आपको इसको लैम्पर्ड और कहां से कहां तक होते हैं ये एमसीक्यू पूछ लेते हैं आपसे। और एक सिंपल है पोस्ट और कान के पीछे वाइल्ड एनसीएन कॉमनली हम ये यूज करते हैं, एंडोमीटर इनकी मीटर्स, ठीक है, या एंड ऑरल कान के अंदर, या उसको वाइल्ड बोलते हैं। सारी सर्जरियां सर्जरीज के अंदर हम ये सर्जरी अब ये कॉमन सर्जरी कौन कौन सी है, एक तो मैंने गॉटन पढ़ ली, सुराख करना, आवाज आ रही, हेलो, अच्छा। एक है जी हमने किया पर्दे के अंदर, पर्दे में सुराख किया, उसको मेनिंगोटमी बोलते हैं। एक सुराख है और उसको रिपेयर कर देना है आपने, पर्दा लगा देना है आपने, तो दैट इज कॉल्ड एज मेनिंगोप्लास्टी। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट सर्जरी है वो जी मास्टरडेक्टमी। अब ये याद रखना है जहां पर भी मैस्टर की प्रॉब्लम आती है, क्रॉनिक सुपरेटिव टाइटस मीडिया आता है, ठीक है, तो याद रखना है आपने उसका सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनिंगोटॉमी एंड टिम्पनोटॉमी, बिकॉज़ मेनिंगोटॉमी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डीएमएसएम बट टिम्पनोटॉमी इज प्रेडिकेट। टिम्पनोटॉमी जो है वो बेसिकली आपने तो जो मेनिंगोटॉमी है ना ये तो थेरेप्यूटिक है, ठीक है, आपने ट्रीट किया। टिम्पनोटॉमी में आप क्या कहते हैं, इसमें पर्दे में सुराख करते हैं, लेकिन ये डायग्नोस्टिक है। इसमें आप बेसिकली फेशियल रिसेस पीछे की तरफ, ये काफी डिफिकल्ट एनाटॉमी, पीछे करके ना फेशियल रिसेस से जाके एंटर होते हैं, ये डायग्नोस्टिक है। इसमें भी पर्दे में सुराख तो नहीं करते, लेकिन फेशियल रिसेस से ओपनिंग होती है, वहां से आप जाती है फ्लैप उठा के एंड ऑरेंसियन लगा के फ्लैप उठा के अब डायग्नोस्टिक जाके देखते हैं कि वहां पे ग्लोमस ट्यूमर है या आपका स्टेपिक फुटप्रिंट फिक्स तो नहीं है। तो जो डायग्नोस्टिक आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टिम्पनोटॉमी। तो जो मेनिंगोटॉमी है उसमें आप टिम्पनोटॉमी पूरा टिम्पैनिक याद रखो, मिडल ईयर को बेसिकली ओपन कर देते हैं, मिडल ईयर को पूरा एग्जामिन करना है। तो वो सिर्फ आप ये नहीं कि एक इंसीएन लगाया और बस छोड़ दिया, तो फिर आपने टिम्पनोटॉमी में आपने फ्लैप उठा के पीछे से, जैसे ये है ना, जैसे ये सपोज रोजन इंसीएन लगाया, आपने पूरा फ्लैप उठा लिया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को भी उठा लिया और मिडिल ईयर में घुस गए। मिडिल ईयर जाके बेसिकली ये ओपनिंग ऑफ द मिडिल ईयर है, तो मेनिंगोटॉमी है वो समझो ओपनिंग ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, वो पर्दे की है, वो सिर्फ पर्दे में सुराख करना है। टिम्पनोटॉमी क्या है कि मिडिल ईयर को देखना है आपने, ओपन करना है मिडिल ईयर को, ठीक है, वो बेसिकली टिम्पनोटॉमी ज्यादातर डायग्नोस्टिक होती है। ठीक है मुतीबा, तो अगर आप जुगलर बल्ब है हाई, अब सीधा अगर इस पर इंसीएन लगा देंगे तो उसको डैमेज कर देंगे,
तो क्या कहते हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नालिटी कैनाल के अंदर इंसीजन लगाते हैं, पूरा फ्लैप रोटेट करके फिर आप देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, वो पूरा उठा के टाइमिंग मेम्ब्रेन को साइज नहीं करते, पूरे एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की जो वॉल है उस समेत आप उठा लेते हैं, पर्दे को भी उठा लेते हैं टू एग्जामिन दी मिडल ईयर। तो बेसिकली दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ वन ऑफ द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो आपको मेरिंग वो थेरापीटिक है। अच्छा मैं आपको बता रहा था मैस्टर्ड, मैस्टर्ड के अंदर आपने जब भी याद रखना लफ्ज आए तो आपने लिखना है मैस्टॉइड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। अगर मैस्टोडाइटिस आया हुआ पेशेंट का बच्चे का तो आप लिखना है मैस्टोडाइटिस, अगर सीएसओ है विद कोलिस्टोम है आपने लिखना एक्सप्लोरेशन, आपने नहीं लिखना कॉर्टिकल मैस्टोडेक्टिनी मॉडिफाइड या रेडिकल। तो मैस्टोडेक्टिनी हम करते क्या हैं, बेसिकली जितने मैस्टर्ड एयर सेल्स हैं वो सारे के सारे हम रिमूव करते हैं डिसीज वाले, ठीक है। अगर सिर्फ मैस्टर्ड एयर सेल्स रिमूव करते हैं और पीछे वाली देखो ये बेसिकली जो एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की वॉल है ना ये पार्टीशनिंग वॉल है बेसिकली मैस्टर्ड एंड्रम और एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल के दरमियान ये वॉल भी बनी है। ये देखो पर्दा नजर आ रहा है, पर्दे के पीछे ये जो ब्राउन सी है ये वॉल है एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की वॉल है। अगर ये वॉल हम हटा देंगे तो हमें डायरेक्टली जो है वो मैस्टर्ड एंड्रम पीछे नजर आना शुरू हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज कैनाल वॉल, एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की पोस्टीरियर वॉल। जो एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल की पोस्टीरियर वॉल है वो बेसिकली बाउंड्री बनाती है बिटवीन द एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल एंड मैस्टर्ड एंड्रम। तो अगर ये वॉल को हम डाउन कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड एज कैनाल वॉल डाउन ऑपरेशन, ठीक है। और अगर हम इसको रहने देंगे तो दिस इज कॉल्ड एज कैनाल वॉल अप ऑपरेशन। तो कैनाल वॉल अप तीन ऑपरेशन हैं याद रखने हैं, एक है जी कॉर्टिकल मैस्टरडेक्टमी जिसमें हम कैनाल वॉल को नहीं छेड़ते, दूसरा है मेरिंगोप्लास्टी जिसमें पर्दा रिपेयर करते हैं, और तीसरा है मेरिंगोटम जिसमें हम कैनाल वॉल कुछ नहीं करते और ईयर की हम सर्जरी करते हैं, ठीक है। और जो हम जिसमें कैनाल वॉल डाउन कर देते हैं वो अगर से दो प्रोसीजर्स हैं मॉडिफाइड रेडिकल और रेडिकल मैस्टरडेक्टमी, ठीक है। द कैनाल वॉल इज नथिंग बट इट इज द पार्टीशनिंग वॉल बिटवीन द कैनाल एंड मैस्टरडेक्टमी, ठीक है। तो बच्चों के अंदर अगर मैस्टरडेक्टस नहीं ठीक हो रहा तो देन यू विल गो फॉर कॉर्टिकल मैस्टरडेक्टमी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं मैस्टरडेक्टमी ओपन कर देते हैं और जितने सेल्स हैं वो आप निकाल देते हैं इन्फेक्शन वाले। मैक्यूबेरियन ट्रायंगल सबको आनी चाहिए, ठीक है। सरफेस लैंडमार्क है, तीन बाउंड्रीज क्या होती हैं और फिर आपने मैस्टरडेक्टम इसके अपने स्टेप पढ़ लेने। रेडिकल मैस्टरडेक्टमी यूजुअली कैंसर में करते हैं या कोलिस्टोमा, जब कोलिस्टोमा आपका बार बार ओरल मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टरडेक्टमी कब करनी है बेटा, रेडिकल मैस्टरडेक्टमी तब करनी है जब आपका कैंसर है मिडिल ईयर का कैंसर है या आपका कोलिस्टोमा और आपने पहले मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टरडेक्टमी कर दी और वो सक्सेसफुल नहीं है दोबारा उसको डिजीज हो गई फिर आप रेडिकल करते हैं। रेडिकल में क्या करते हैं आप सब कुछ निकाल देते हैं, ये देखो कैनाल वॉल भी निकाल देते हैं, सारे ऑसिकल्स निकाल देते हैं स्टेपीज फुट प्लेट के ताकि वहां से पेरिलिम्फ ना आना शुरू हो जाए, ठीक है। आप तो जितनी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो निकाल देते हैं, सारा म्यूकोसा निकाल देते हैं और इवन कैविटी को फिर क्लोज कर देते हैं वंस फॉर ऑल, ठीक है। तो अगर फेलियर है सर्जरी की मॉडिफाइड रेडिकल से नहीं ठीक हो रहा तो फिर ऑजुस्टेशन ट्यूब को अपनी कोई बंद कर देते हैं फ्लैट से, तो दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल मैस्टरडेक्टमी। तो नॉर्मली हम रेडिकल नहीं करते मॉडिफाइड रेडिकल करते हैं। मॉडिफाइड रेडिकल में क्या है कि कैनाल वॉल तो हम डाउन करते हैं लेकिन हम बेसिकली उसमें सिर्फ जो डिजीज पार्ट है वो निकालते हैं, यानी जो पर्दा है तो हियरिंग प्रॉब्लम होगी, हाँ बेटा होगी ना। देखो जो कोलिस्टोमा है ना, कोलिस्टोमा मैंने आपको बताया था कोलिस्टोमा में दो काम करने हैं आपने, नंबर वन सबसे पहले मरीज की जान बचानी है, ये कोलिस्टोमा ने सीधे चले जाना ब्रेन के अंदर चले जाना, ठीक है। वहां पे इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशन करेगा, इंट्राक्रैनियल जब कॉम्प्लिकेशन करेगा तो मरीज की डेथ हो सकती है। सबसे पहले आपने मरीज की जान बचानी है तो मेक द ईयर सेफ, ठीक है, उसकी सर्जरी करनी है। फिर उस पर सेकंड स्टेज के ऊपर फिर आपने जो है उसकी हियरिंग रिस्टोर करनी है। अब रेडिकल मैस्टरडेक्टमी इसीलिए हम नहीं करते क्योंकि रेडिकल के बाद आप हियरिंग नहीं रिस्टोर कर सकते, वो हियरिंग खत्म हो जाती है मरीज की, यस। इसलिए हम मॉडिफाइड रेडिकल करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जितने जितने डिजीज है वो निकाल देते हैं, जो ऑसिकल्स हैं या मेम्ब्रेन है वो निकाल के, ठीक है, और उसके बाद उसकी जगह पे मेम्ब्रेन की जगह मेम्ब्रेन लगाते हैं, ऑसिकल की जगह ऑसिकल लगा देते हैं। इसलिए इस प्रोसेस पूरे सर्जरी को कहते हैं टिम्पैनोप्लास्टी,
देखते हैं, पेनोप्लास्ट में क्या करते हैं, कोलेस्टोमा निकाल के जितनी डिजीज है, और ऑसिकल भी रिपेयर कर देते हैं, ऑसिकलोप्लास्टी भी कर देते हैं, और पर्दा भी रिपेयर करते हैं, मेरिंगोप्लास्टी भी कर देते हैं, इसलिए मॉडिफाइड करते हैं। लेकिन अगर मॉडिफाइड सक्सेसफुल नहीं है, मरीज की जान को खतरा है, फिर हम रेडिकल मेथड, रेडिकल के बाद फिर आप हियरिंग नहीं, फिर आपको हियरिंग एड लगानी पड़ती है, फिर हियरिंग रिस्टोर होती है। ठीक है, तो कैनाल वॉल अप, कैनाल वॉल डाउन, ये आपको समझ आ गई। और आपने इसमें कब करनी है कैनाल वॉल अप, कब करनी है कैनाल वॉल डाउन सर्जरी, ये आनी चाहिए। लेफ्ट सामने हमेशा मेस्टर्ड एक्सप्लोरेशन लिखना है आपने, इसमें आपने सर्जरी के स्टेप पढ़ने हैं। लेकिन वैसे रूटीन में आपने हर ऑपरेशन की इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन पढ़ने। मॉडिफाइड रेडिकल को टिम्पेनोप्लास्टी कहते हैं। मॉडिफाइड बेसिकली रेडिकल मेस्टर्डेक्टमी में क्या करते हैं, आप जो मेस्टर्ड खोल के ना सारी डिजीज निकाल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टर्डेक्टमी। अगर मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टर्डेक्टमी के साथ साथ ही आप जो आपने डिजीजें निकालने के बाद आपने जो पर्दा में जो सुराख है उसको रिपेयर कर दिया, मेनिंगोप्लास्टी भी कर दी और ऑसिकल को भी रिपेयर कर दिया, तो उसको बोलते हैं ऑसिकलोप्लास्टी प्लस मेनिंगोप्लास्टी। तो ये अगर तीनों काम आपने किए हैं तो उसको बोलते हैं टिम्पेनोप्लास्टी। मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टर्डेक्टमी अगर लफ्ज आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेस्टर्ड एक्सप्लोरेशन, वो आप मेस्टर्ड में से डिजीज निकालेंगे। ठीक है, अगर आपने सिर्फ मेस्टर्ड से डिजीज क्लियर किया, कैनाल वॉल डाउन कर दिया है, सिर्फ डिजीज क्लियर किया, तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टर्डेक्टमी। उसके साथ ही उसी गो में, रूटीन में हम बाद में करते हैं लेकिन उसी गो में करना चाहिए, उसी गो में अगर आप पर्दा भी लगा दें, ऑसिकल भी लगा दें, तो उसको टिम्पेनोप्लास्टी बोलते हैं। टिम्पेनोप्लास्टी बेसिकली रिपेयर है। ठीक है, इसके आपने इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कॉम्प्लिकेशन ये सब पढ़नी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, फर्क क्या है रेडिकल मॉडिफाइड और मॉडिफाइड। मेरिंगोप्लास्टी क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ पर्दा लगाना, मेरिंगो में टिम्पैनी में उसमें ओपनिंग क्रिएट करना, उसको सुराख करना, मेरिंगोप्लास्टी रिपेयर करना। ठीक है, इसकी इंडिकेशन कॉन्ट्रेंट की याद करने, ग्राफ मटेरियल जो कॉमनली पर्दे के लिए यूज करते हैं वो टेम्पोरल फेशिया, ये आपका एमसीयू आ जाता है। टेम्पोरल रीजन के अंदर स्किन के नीचे जो फेशिया है उससे हम रिपेयर करते हैं। दो टेक्निक्स हैं, एक अंडर ले है पर्दे के नीचे जाके, एक ओवर ले है पर्दे के ऊपर से रिपेयर करते हैं। कब नहीं कर सकते आप मेरिंगोप्लास्टी, नाक में इन्फेक्शन है, नाक में एलर्जी है, यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन है, तो पर्दे का सुराख खराब हो जाएगा, टाइटस एक्सटर्ना है, कोलेस्टोमा है, अगर एक या डेड है तो दूसरे में रेस्ट नहीं ले सकते आप, बहुत छोटे बच्चों में यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन बहुत होता है, स्टिच में नहीं करते। ठीक है, तो ये आपने बाकी इसको रीड कर लेना। ड्राई सेंट्रल परफोरेशन है, कौन से दो मेथड्स हैं, अंडर लेयर ओवर लेयर टाइप्स हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन अभी दे मैंने बता दिया। तो ठीक है, तो अगर आप मेरिंगोप्लास्टी के साथ ऑसिकल भी रिपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑसिकलोप्लास्टी। तो कंबाइंड जो मेरिंगोप्लास्टी प्लस ऑसिकलोप्लास्टी इज टिम्पेनोप्लास्टी। ठीक है, तो टिम्पेनोप्लास्टी जाहिर हुआ था जो आपने रिपेयर करना है, पर्दे को रिपेयर करना है, ऑसिकल को रिपेयर करना है, तो पीछे कोलिस्टोमा छोड़ेंगे तो नहीं ना, तो डिजीज को छोड़ेंगे तो नहीं ना। फिर अंडर लेयर में क्या करते हैं, पर्दे के पीछे जाते हैं, वहाँ जितना कोलेस्टोमा डिजीज निकाल के फिर ऑसिकल को रिपेयर करते हैं, वरना कोलेस्टोमा वहीं पड़ा हुआ तो फायदा कोई नहीं है फिर उसको रिपेयर करने का, तो दोबारा खा जाएगा उस ऑसिकल को। दैट्स व्हाई द आइडियल सर्जरी जो है ये आपकी, वो ये कि हियरिंग को भी रिस्टोर करें आप साथ ही, ईयर को सेफ भी बनाए, हियरिंग को भी रिस्टोर करें। ग्रूव पंक्चर आजकल नहीं होता, ये बेसिकली एक है जैसे हम इसको सर्विस कैनुला कहते हैं, जैसे वो क्या वो नहीं बर्फ तोड़ने वाला पहले होता हुआ था, तो ये बेसिकली आप इंफीरियर मीटर्स के थ्रू जाके सुराख करते हैं मतलब री एंट्रेंस से, लेकिन आजकल ये ऑब्सोलीट है। क्यों ऑब्सोलीट है ये, टोकर कैनुला इस तरह क्यों नहीं यूज करते, इसमें डालते हैं मतलब री एंट्रेंस के नाम से, व्हाई इट इज ऑब्सोलीट, मैंने कहा दिस इज एन ऑब्सोलीट प्रोसीजर। बताओ, तो सोच के बताना मुझे, अगर सिर्फ इसको पंक्चर करते हैं इंफीरियर मीटर्स को उसको बोलते हैं प्रूव पंक्चर, अगर साइनस में कोई पस पड़ी है, इंफेक्शन है, उसको ड्रेन करने के लिए। अगर पूरी विंडो बना देंगे ऐसी इस इंस्ट्रूमेंट से, ये पूरी विंडो बना देते हैं, तो उसको बोलते हैं एंट्रोस्टमी।
cross mean opening. Enter mean maxillary anthem, उसके अंदर सुराग करते हैं cross mean. ठीक है, ये दोनों procedure obsolete हैं, आजकल नहीं करते हैं हम. क्यों नहीं करते ये मुझे बताना, हम क्यों नहीं करते. अच्छा, जो obsolete procedure है ना अभी तक, उसमें सबसे important ये याद करना, ये भी again obsolete procedure है, लेकिन ये important है. तीन चार ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉन्सिलेक्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी, सेप्टोप्लास्टी एसएमआर, कार्डवेलक्स और पांचवा आपका मेरिंगोटोमी एंड मेरिंगोप्लास्टी. ये पांच ऑपरेशन बड़े ध्यान से, इनकी इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन, प्रॉफ के लिहाज से करनी. कार्डवेलक्स में बेसिकली आप क्या करते हैं, लिप को उठाते हैं, ये देखो लिप को उठाते हैं, ठीक है, ऊपर मिकोजा उठाया, बोन के ऊपर पेरियोस्टियम उठाया और एंटीरियर वॉल जो मेजरली एंट्रम की है उसमें ओपनिंग क्रिएट कर देते हैं. ये क्यों करनी पड़ती है, अगर यहाँ पे साइनोसाइटिस है वो ठीक नहीं हो रहा, एंट्रोकोनल पॉलिप है वो ठीक नहीं हो रहा, कुछ ट्यूमर है वो निकालना है आपने, ठीक है, मेजरली साइनोसाइटिस नहीं ठीक हो रहा, कोई डेंटल सिस्ट है तो तब आप निकालते हैं. लेकिन ये अब प्रोसीजर आजकल नहीं करते. क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते कि इतनी ओपनिंग करने की जरूरत नहीं. कैंसर अगर सपोज उसे एंटर में था, उसको बाहर निकालने के लिए भी आपने एक ओपनिंग क्रिएट करके दे दी उसको. लेकिन यहाँ पे फेस्ट है तो आइडियल जो नोज और साइनसिस की सर्जरी करते हैं वो फेस्ट करते हैं, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनसिस. ठीक है, और क्या वजह है ऐसे करना है, और क्या वजह टू पंक्चर ऑब्सोलीट. सीटी स्कैन तो हो गया, सीटी स्कैन भी कर दी है, और भी अच्छी सी वजह सोच के मुझे नूरुल्हुदा बतानी है तुम्हें. ठीक है, कार्डवेलक्स कब करना है, जब आपको टेस्ट नहीं है, एसएमआर और सेप्टोप्लास्टिक. क्योंकि ये फर्क जैसे पूछते हैं, समर क्या बेसिकली डीएनएस को क्रैक करने के, नाक के डीसी करने के, एसएमआर करते हैं 17 साल के बाद, क्योंकि एसएमआर के अंदर आप पूरा का पूरा नाक जो है वो सेप्टम पूरा निकाल देते हैं, सिवाय उसका डॉर्सल वाला पार्ट, और इस वजह से नाक के अगर बैठने का चांस होता है. इस रेडिकल सेप्टोप्लास्टी के अंदर आप जो इंसीजन लगाते हैं बिल्कुल ये लोअर बॉर्डर ऑफ कार्टिलेज पे नीचे लगाते हैं, जबकि जो आपका एसएमआर सॉरी सेप्टोप्लास्टी में ये नीचे एंगल ऑफ और सॉरी लोअर बॉर्डर ऑफ क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज यहाँ लगाते हैं, जबकि एसएमआर के अंदर आप कीलियन इंसीजन लगाते हैं जस्ट थोड़ा सा अबव वेस्टिब्यूल से थोड़ा सा ऊपर द लोअर बॉर्डर ऑफ दोनों तरफ से करते हैं. चौथा फर्क यह है कि एसएमआर के अंदर आप ऑलमोस्ट 90% सेप्टम उड़ा देते हैं, निकाल देते हैं, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जहाँ से नाक बैठे ना डॉर्सम वाला पार्ट और नीचे कोलोमेला वाला पार्ट वो छोड़ देते हैं, जबकि सेप्टोप्लास्टी में आप सिर्फ और सिर्फ डेविएटेड पार्ट निकालते हैं. तो इन दोनों में से बेहतर सर्जरी कौन सी है, सेप्टोप्लास्टी. ठीक है, ये डॉर्सल और कॉर्डल छोड़ के सारा सेप्टम निकाल दिया ऐसा मार्किंग जितना ब्लू बना हुआ ना सब निकाल दिया. यस, फ्रेयर इंसिजन लगाते हैं. कॉम्प्लिकेशन इसकी याद कर लेना, तो डेविएटेड नेजल सेप्टम के लिए आइडियल सर्जरी इज सेप्टोप्लास्टी. सेप्टोप्लास्टी की इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस पढ़ लेनी है आप. एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी बेस्ट है अगर नाक और साइनस में डिजीज है, तो बेस्ट सर्जरी इज द फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी. बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज द सीटी स्कैन, नोज, पैरानेजल साइनसिस टेस्ट प्रोटोकॉल के साथ,
सर्जरी इज द फेस्ट, फेस्ट स्टैंड फॉर यानी अपने फंक्शन रिस्टोर करना है, जैसे नाक में पॉलिप है, अब जो नॉर्मल म्यूकोसिलरी फंक्शन है वेंटिलेशन एंड ड्रेनेज वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप क्या करते हैं वो सारे पॉलिप निकाल देते हैं, म्यूकोजा को रहने देते हैं, म्यूकोजा नहीं छेड़ते, अगर म्यूकोजा भी डाल दिया तो क्या होगा आपका जो नॉर्मल म्यूकोसिलरी फंक्शन है वो रिस्टोर नहीं रहेगा, तो मरीज का ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो फंक्शन है म्यूकोसिलरी फंक्शन म्यूकोजा का जो रिटेन रहने देते हैं, दैट्स व्हाई अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज फंक्शन, इट इज टू रिस्टोर द फंक्शन ऑफ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द नोज। तो इंडिकेशन क्या है, साइनोसाइटिस में, पॉलिप्स के अंदर, फंगल साइनोसाइटिस में, फंगल साइनोसाइटिस में, एंड्रोकॉन पॉलिप में, अगर पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस है, इन सब में करते हैं। तो ऐसे आप कैमरा डालते हैं, टेलीस्कोप डालते हैं, कैमरे पे देखें एंड रीजन सर्जरी करें। तो ये देखो, ये बेसिकली ये ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स में हमेशा आपको बताता हूँ, मिडल मीटर के जो मिडल मीटर्स है वहां पे सारे के सारे साइनस ओपन हो रहे होते हैं। ठीक है, सारे साइनस यहाँ पे ओपन होते हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, साइनोसाइटिस हो जाएगा, एथमॉइड भी यहीं खुलता है, फ्रंटल भी यहीं खुलता है, मिडल मीटर्स के अंदर ये ब्लॉक हो जाएगा सब कुछ साइनोसाइटिस हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, ये फंक्शन रिस्टोर करने के लिए इसको खोल देते हैं। ये देखो सर्जरी के बाद आपने ये ऑस्टियम खोल दिया, आपने ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स खोल दिया, तो जहाँ ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स का लफज आए याद रखना है, इट मीन्स नॉर्मल ऑस्टिया ऑफ मोस्ट ऑफ द साइनसेस जो ओपन होते हैं इन द मिडल मीटर। मिडल मीटर बेसिकली आपने खोलना है और वहां से सारे साइनसेस को अप्रोच करना है। ऑस्टियोमीटर कॉम्प्लेक्स टेक्निक पढ़ लेना, इंटीरियर टू प्रोसीडर्स में जाते हैं ना, तो खोल करने के लिए सबसे पहले एक प्रोसेस होता है, बोनी प्लस मेम्ब्रेन जो अनसिनेट प्रोसेस बोलते हैं उसको निकालना है। पीछे आपके आ जाएगा बुल्ला एथमॉडलस, बुल्ला क्या है बेसिकली एथमॉडल एयर सेल्स, इंटीरियर एथमॉडल एयर सेल्स, बुल्ला को खोलेंगे इंटीरियर एथमॉइड खुल गया, उसके पीछे भी पोस्टीरियर एथमॉइड है, इन दोनों के मिडिल टर्मिनल का पार्ट होता है इसको बेजल लमेला बोलते हैं, वो खोलते हैं तो पीछे पोस्टीरियर एथमॉइड खुल जाते हैं, पोस्टीरियर एथमॉइड के पीछे चले जाते हैं, अंदर खुल जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके स्टेप्स ऑफ ऑपरेशन है, अनसिनेक्टोमी किया, कोलेक्टमी की, मिडल मीटर्स में, मिडल मीटर्स के थ्रू आप मैक्सिलरी एंट्रम में चले गए, बेसल लैमेला के थ्रू आप पोस्टीरियर एथमॉइड में चले गए और फिर स्फिंक्टर में चले गए। ठीक है, ये इनको रीड कर लेना। इसकी लेकिन कॉम्प्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लिकेशन क्यों इसकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब ये एंडोस्कोपी के लिए काम करते हैं तो बड़े ध्यान से बिल्कुल आप ऑर्बिटर ब्रेन के साथ काम अंधा कर देते हैं, और मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशन ये है कि टेबल डेथ कर देते हैं दिमाग में घुसे, क्योंकि बहुत छोटा सा तो बहुत नाक छोटा सा तो है, आपने क्रिबियम प्लेट पकड़ी उखाड़ी सीधा गए इंट्राक्रैनियल ब्रेन को डैमेज किया, तो टेबल डेथ हो सकती है अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है। मिनिमम इज द ब्लाइंडनेस और मैक्सिमम इज द डेथ, तो कॉम्प्लिकेशन याद करनी है आपने, कॉम्प्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी ये पढ़ लेना, अगर जो जो मिरर आपको दिखाया था कर्व वाला मिरर लेरेंस एग्जाम में नहीं कर पाते, फिर आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन करते हैं लेरेंस का। ठीक है, तो तीनों प्रोसीजर आपने ब्रोंकोस्कोपी, स्कोपी, इसकी इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपने पढ़ लेनी। अब लास्ट टॉन्सिल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टॉन्सिलेक्टमी आपको सबको आनी चाहिए। तो टॉन्सिल क्या है बेसिकली, पैलेटाइन टॉन्सिल जो ओरोफेरेंस के अंदर होते हैं, अगर इनमें रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही हैं या इतने बड़े हैं कि ब्रीथिंग को प्रॉब्लम दे रहे हैं, या कैंसर है, या बार बार पैरी टॉन्सिल एब्सेस हो रहा है, या टॉन्सिल की कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, मरीज को लगते हैं या बच्चे को जोड़ों में दर्दें रहनी शुरू हो गई हैं, या उसको हार्ट का प्रॉब्लम, रूमेटिक फीवर होना शुरू हो गया है, फिर आप क्या करते हैं टॉन्सिलेक्टमी कर देते हैं। ऑपरेशन की सब कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन, एचपी में ब्लीडिंग के चांस होते हैं, एचपी बहुत लो, ये सर्जरी आप नहीं कर सकते। छोटे बच्चों में भी ध्यान से करनी है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कम होता है, इंफेक्शन में आपने रूटीन में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं करनी, क्योंकि
इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सबको आने चाहिए या अपने डिपार्टमेंट आओगे तो देखोगे, बॉइल्ड एवेस माउथ क्या है, किलर रिट्रैक्टर है, टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप्स है, तो करते क्या हैं आप, ऐसे ही माउथ गैग लगाया, मरीज का मुंह खोला, ठीक है, नहीं जा रही है, पीछे जा रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ ये मुंह माउथ ओपन किया, माउथ ओपन किया, टॉन्सिल को पकड़ा, पकड़ के अब आप इसको या डिसेक्ट कर लें या लेजर से कर लें या कॉटरी से कर लें, ठीक है। तो बेसिकली आपने पेरी टॉन्सिल कैप्सूल प्रॉपर प्लेन में रहकर डिसेक्ट करना, अदरवाइज ये टॉन्सिल ब्लीड करेगा। जो मीज आपको गला बार बार डॉक्टर से गला बार बार खराब होता है और हर बार गला खराब होने के साथ इसको बुखार हो जाता है, ठीक है, और हर बार एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, इसकी क्या वजह है, क्यों बुखार गला खराब होता है, फिर कहती है अब इसके टॉन्सिल इतने बड़े हो गए कि ये मुंह खोल के सोती है, अब इसको जॉइंट पेन भी शुरू हो गई है, चलते हुए सांस भी फूलता है, मुंह से स्मेल भी आती है, जो को डायगेस्टिक लिम्फेडनोपैथी भी है, तो दिस इज द क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस। तो क्यों बार बार बिटाई होती है इसके अंदर, एम्ब्रिज क्या मतलब आया था, हर बार एंटीबॉडी क्यों लेनी पड़ती है गले खराब में टॉन्सिल्स में, जस्ट कॉम्प्लिकेशन तो आगे पढ़ते हैं, चावल कॉम्प्लिकेशन हम बोलते हैं। व्हाट्स द रीजन, क्यों बार बार आपको एंटीबॉडीज लेनी पड़ती हैं, तो जब भी एंटीबॉडीज के साथ गला ठीक हो रहा हो तो याद रखना कि वो कॉन्टोस्टोम की वजह बतानी है आप लोगों ने, कॉम्प्लिकेशन इसकी ध्यान से, अगर ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, हर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग है, सर्जरी के दौरान हो रही है तो उसको प्राइमरी हेमरेज बोलेंगे, सर्जरी कर दी पहले 24 घंटे के अंदर है तो रिएक्शन भी बोलेंगे, ठीक है, और अगर 24 बाद होती है यूजली 5-6 दिन होती है कर रहे हैं, कोई वेसल खुल गई है तो आपने क्या करना, रिएक्शन यूजुअली होता है कि क्लॉट होता है वेसल पर और मसल को कॉन्ट्रैक्ट या वेसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देते। सर रिपीट दिस पॉइंट, कौन सा पॉइंट रिपीट करूं, Which point to repeat? आ रही है बात, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़े थे कॉम्प्लिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन किसी भी ऑपरेशन की हेमरेज है, हेमरेज की टाइप आप लोगों को आनी चाहिए, प्राइमरी हेमरेज होती है जो कि ऑपरेशन के दौरान हो, कोई भी खून की नाली होगी, वेसल ओपन होगी तो आप क्या करते हैं उसको लाइगेट करते हैं, वेसल को बांध देते हैं या फिर कॉटराइज कर देते हैं, जो ऑपरेशन के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर होती है दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शनरी हेमरेज। उसकी वजह ये होती है कि क्लॉट बना होता है वेसल के ऊपर, वो वेसल को और मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करने देता, तो आप क्या करते हैं रिलेटिवली जाके वो क्लॉट निकालते हैं, वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर दी, ब्लीडिंग रुक जाती है, अगर नहीं भी रुकती तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको आप वेजो कंस्ट्रिक्टर से उसको गरारे करते हैं, तो बेस्ट हम क्या करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड या एड्रेनालिन, एड्रेनालिन या जिसको आप उसका नाम क्या है एड्रेनालिन का, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन के जो है ना आप लोग एपिनेफ्रिन पढ़ते हैं, एड्रेनालिन बोलते हैं, ठीक है, उससे गरारे कराने, अगर फिर भी नहीं रुकती तो फिर आपने दोबारा बेहोश करके उसको वेसल को लाइगेट करना या कॉटराइज करना। तो थर्ड होती है जी सेकेंडरी हेमरेज, सेकेंडरी हेमरेज में क्या है जो कि 24 घंटे के बाद हो सकती है किसी भी टाइम, लेकिन यूजली 5-6 दिन
उसकी वजह है इन्फेक्शन। तो अगर सेकेंडरी हेमरेज है तो फिर आपने उसको मतलब उसको एंटीबॉडी अच्छी नहीं दी, उसको एंटीबॉडी देनी है, ऑपरेशन के बाद उसको इन्फेक्शन हो गई है, ठीक है। तो आपने एंटीबॉडीज उसको अच्छी देनी है, गरारे कराने हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के और एडिनलिन के, अगर फिर भी नहीं रुकता तो फिर आपने उसको जाके थिएटर में ले जाके शिफ्ट करके और उसको आपने लाइगेट करना है, ठीक है। तो हेमरेज याद रखना है, इस तरह टॉन्सिल पिलर डैमेज कर सकते हैं, टूथ को डैमेज कर सकते हैं सर्जरी में, ब्लड एस्पिरेट कर सकता है, सुपीरियर कंस्ट्रक्टिव मसल डैमेज कर सकता है, ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। डिलेड मैंने आपको बता दी सेकेंडरी हेमरेज, ठीक है, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड म्यूकस लंग में जा सकता है, लॉन्ग टर्म स्कारिंग हो सकती है, हाइपरट्रॉफी लिंगुअल टॉन्सिल भी हो सकती है। तो आप बेटा अगर टॉन्सिलेक्टमी के बाद ये आपको कि अगर टॉन्सिलेक्टमी हो गई है ये इसकी, आप हाउस ऑफिसर हैं एमपी के अंदर, आपको जनाब उन्होंने कहा कि कॉल आई है कि डॉक्टर साहब मरीज ब्लीड कर गया, आप क्या करेंगी क्या करेंगे? आपने सबसे पहले मरीज की आईवी लाइन चेक करनी है, वो सेफ है कि नहीं है, उसको फ्लूड स्टार्ट करना है ताकि वो शॉक में ना जाए, ब्लड ग्रुप क्रॉस मैच कराना है, उसको ग्रुपिंग कोच उसको अरेंज कराना है, ब्लड का मुंह खोल के देखना है क्लॉट है तो वो रिमूव करना है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एड्रेनालिन को डाइल्यूट करके गार्गल्स कराते कराने हैं, एनेस्थेटिस्ट को बताना है कि डॉक्टर साहब हमारा जो है ना वो हो गया है, हम ब्लीड कर रहे हैं, काइंडली हम आ रहे हैं सर्जरी के लिए, थिएटर वालों को बताना है और सबसे इंपॉर्टेंट सर्जन को कॉल करना है कि डॉक्टर साहब डॉक्टर जवान आपका मरीज ब्लीड कर गया फौरन पहुँचे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब डॉक्टर साहब पहुँचेंगे तो फिर आपने स्पॉन्डर करके डॉक्टर साहब से हेल्प करनी है, ब्लीडिंग वेसल देखेंगे, उसको कॉटराइज कर देंगे या उसको ट्राई कर देंगे, कॉम्प्लिकेशन की इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर एडिनॉइड निकालते हैं तो दैट इज द एडिनोइडेक्टमी। एडिनोइडेक्टमी कब करते हैं? अगर वो इतने बड़े एडिनॉइड हैं कि स्नोरिंग या स्लीप अपनिया कर रहे हैं बच्चे में, या बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, रिकरेंट टाइटस मीडिया हो रहा है, तो इसमें फिर क्या कहते हैं एडिनोइडेक्टमी प्लस मेनिंगोटोमी और क्रोमेटोमी डालते हैं। इसकी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं, ब्लीडिंग में नहीं करेंगे, इन्फेक्शन में नहीं करेंगे, क्लेफ्ट साइड में ऑलरेडी सुराख होता है, तो अगर आप एडिनॉइड भी निकाल दें तो मरीज का एस्पिरेशन को प्रॉब्लम होगा, तो उसमें ये नहीं करते। इससे क्या करते हैं ये एंगेज करके इस तरीके से इसको निकाल देते हैं। तो इसमें भी यही हेमरेज हो सकता है, यूस्टेशियन ट्यूब की ओपनिंग को डैमेज कर सकते हैं, फ्रिंजर मसल को कर सकते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब को कर सकते हैं, ठीक है। चलो एनी क्वेश्चंस, और कुछ चीज पूछनी हो, कुछ समझनी हो, टाइम कम था इसलिए हम थोड़े से तेज गए हैं, कुछ चीज पूछनी हो तो यू कैन आस्क मी, व्हाट्सएप करके पूछ लेना एनी क्वेश्चन। अब आपका टेस्ट होगा परसों इंशाल्लाह ट्यूजडे को, उसके बाद फिर आपका एक लेक्चर है, उस लेक्चर में इससे जो आपको टेस्ट रिलेटेड चीज़ें कुछ वो डिस्कस कर लेंगे और बाकी नोट्स को रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसमें आपने कोई क्वेश्चन पूछना तो मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप कर, ओके ओके, थैंक यू।